हेलो एवरीवन, बेटा क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम इस वाले पार्ट में, पेज नंबर 14.52। तो एक बार जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले बाबू ने बेटा परचेज कराया 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन को 6000 रुपये में। तो 1 अप्रैल 17 को, मैं देखो हैंड टू हैंड क्वेश्चन करूँगा, 1 अप्रैल 17 को टू कैश अकाउंट मशीन वन कितने रुपए? 6000 रुपये। इसके बाद में ऑन 1 अक्टूबर 2017, देखो 1 अक्टूबर बेटा इसी साल पड़ेगा, टू कैश अकाउंट मशीन टू, ये कितने की खरीदी है इन्होंने? ये खरीदी है 5000 रुपये की। अच्छा जी, फिर ऑन 1 अक्टूबर 2018 ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 4000 रुपये। इन्होंने अक्टूबर 18 में बेची है। चलो पहले हम क्या करेंगे इस पर, 31 मार्च 2018 को ध्यान से हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन वन, ध्यान से देखो मशीन वन कितने की है? 6000 रुपये की है। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में वो दे रखा है 10%। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन हो गया पूरे साल का 1 अप्रैल से 600 रुपये। फिर हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन टू, मशीन टू हमने खरीदी है 5000 रुपये की, इस पर भी 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन ये हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का, तो ये हो गया बेटा 250 रुपये। तो अब हम इसका टोटल लगा देंगे यहाँ पर, टोटल कितना बैठ रहा है? ये 11000। ये कितना बैठ रहा है? 11000 में से आप माइनस कर दो 600 और 200 850, तो 11000 माइनस 850, ये बचेगा बेटा 10150 रुपये। बाई बैलेंस सीडी कब? 31 मार्च 2018 को। तो ये बैलेंस नीचे आ जाएगा हमारा यहां पर, टू बैलेंस बी डी 10150 रुपये 1 अप्रैल कब? 18 को। अब इसमें मशीन वन कितने की है और इसमें मशीन टू कितने की है? आप ध्यान से देखो, ये 6000 की थी, इस पर 600 डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये बची 5400 रुपये की पहली वाली। दूसरी वाली 5000 की थी, इस पर 250 रुपये का लग गया डेप्रिसिएशन, तो ये बची 4750 रुपये। इस तरीके से बैलेंस निकालते हैं, ठीक। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहे जी 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कि इसी साल इन्होंने एक मशीन बेच दी बेटा, जो इन्होंने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 17 को, यानी कि ये पहली वाली मशीन, ये वाली मशीन 6000 वाली जो थी, ये इन्होंने बेच दी 1 अक्टूबर को। अब ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 18 को ये मशीन कितने की बची? इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 5400 रुपये की। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर अभी 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन और लगाना है हमें इस पर। बाय डेप अकाउंट मशीन वन पर, क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड चल रहा है, तो ये घटती हुई वैल्यू पर लगेगा 5400 पर, इंटू 10% इंटू 6/12। तो ये हो गया बेटा 5400 इंटू 10% इंटू 6/12, 270 रुपये का डेप्रिसिएशन। अब हमने ये लगा दिया, अब देखो हमें क्या करना होता है इसमें।
हमें इसमें क्या करना होता है, इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है। क्या निकालेंगे? कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वन। तो देखो सबसे पहले तो हम ये वाली बुक वैल्यू लेते हैं, 1 अप्रैल को कितने रुपए की है, 5400 की। तो हम कैसे करेंगे, देखो जरा, बुक वैल्यू देखो यहाँ पर सही नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं क्योंकि इस पे ना अच्छा नहीं आ रहा। पहले तो यहाँ कर देते 270 रुपये, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ मैं इसका वर्किंग नोट। देखो यहाँ पर कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वन। तो सबसे पहले इसकी बुक वैल्यू ले लो आप, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 18 को कितने रुपए की है, 5400 रुपए की। इसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, क्योंकि हमें 1 अक्टूबर को बुक वैल्यू चाहिए, हमने 270 रुपए का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दिया, तो ये बची हमारे पास 5130 की। तो ये कब आ गई बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 18। अब हमने ये बेची कितने रुपए की है भाई, ये हमने बेची है 4000 रुपए की, माइनस सेल वैल्यू। तो यहां पर जो लॉस हुआ इस मशीन पर वो 1130 रुपए का हुआ, लॉस ऑन सेल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम वापस चलते हैं अपना वहीं पर और यहाँ लिखते हैं बाय कैश अकाउंट कितने रुपए की बेची बेटा हमने, 4000 रुपए की, और बाय लॉस ऑन सेल 1130 रुपए। तो यहाँ लिखते हैं, और ये सब कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को। तो हमने ये वाली मशीन बेच दी भाई, 5400 की जो मशीन थी ये हमने बेच दी। तो आप देखो ना, हमारे पास ये 5400 की थी, और इधर का अगर आप टोटल लगाओगे ना तो ये 5400 ही बैठ रहा है, आप चेक कर लो चाहे। अच्छा अब देखो, अब क्या आ जाएगा, 31 मार्च 19 को हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन बाई डेप अकाउंट, कौन सी मशीन पर, मशीन टू पर, जो कि कितने की है, 4750 रुपये। कितना लगेगा इस पर, 10%, कितना हो गया, 475 रुपये। बस जी बैलेंस निकाल दो आप, कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, 10150 माइनस 270 माइनस 4000 माइनस 1130 माइनस 475, तो 4275 बाई बैलेंस सीडी। तो ये हमारे पास बैलेंस बचा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ बेटा पूरा हो गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाने की कोशिश करी, 10150 रुपये। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें जल्दी बताओ फटाफट से, हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 22। एक अप्रैल 2016 को मशीनरी अकाउंट बनाना है। देखो जरा, मशीनरी अकाउंट
मशीनरी अकाउंट, देखो जरा, हमने 1 अप्रैल 2016 को 20,000 रुपए की मशीन परचेज करी है, 1 अप्रैल 2016 को, टू कैश अकाउंट, मशीन वन 20,000 रुपए की। फिर 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि ये खरीदी है हमने नेक्स्ट ईयर, तो पहले यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे बेटा 10% पर एनम के हिसाब से। तो देखो जरा, 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन वन पर 20,000 का 10%, तो ये हो गया बेटा 2,000 रुपये। अब बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 18,000 रुपये बाई बैलेंस सीडी, और वो भी इसी डेट को, टोटल 20,000 और 20,000। ये हो गया जी हमारे पास। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, आगे क्वेश्चन कह रहा है 1 अक्टूबर 2017 को, पहले तो उसके बैलेंस निकाल लो आप, 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी, ये मशीन वन है 18,000 की, ठीक। फिर वो हमसे कह रहा है 1 अक्टूबर 2017, यानी कि इसी साल को हमने एक मशीन और खरीदी है, टू कैश अकाउंट, और ये मशीन टू है भैया, और ये खरीदी है हमने 10,000 रुपए की, ये हमने 10,000 ही खरीदी है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2018 वन मोर मशीन वॉच परचेज 4,500, ये हमने खरीदी है बेटा फिर इसके अगले साल में, पहले 31 मार्च 2018 को आप डेप लगाओ, टू डेप अकाउंट फर्स्ट पर और टू डेप अकाउंट सेकंड पर। देखो फर्स्ट पर जो डेप लगेगा वो लेगा 18,000 का 10%, यानी कि 1,800 रुपये, क्योंकि घटती हुई वैल्यू पर लगेगा। देखो पहले साल जो डेप लगता है ना बेटा, वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, और उसके बाद जो डेप्थ लगता है वो लगता है हमेशा घटी हुई वैल्यू पर। अब देखो ये हमने कब खरीदी है, दूसरी वाली 10,000 रुपये खरीदी है हमने, इस पर भी 10% लगेगा लेकिन 6 महीने का, क्योंकि हमने ये 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो ये कितना बैठता है इस पर, 500 रुपये, ठीक है भाई, और तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो अब हम निकालेंगे इसके बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, पहले टोटल लगा दें इसका हम, टोटल कितना बैठ रहा है बेटा, 28,000 में से आप माइनस कर दो 1,800 और 500, तो ये बच रहा है 25,700 रुपये। अब ये बैलेंस आगे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, 25,700, 1 अप्रैल 2018। अच्छा जी, इन्होंने फिर क्या करा है बेटा, फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि इसी डेट को, टू कैश अकाउंट, देखो पहले इनकी वैल्यू निकाल लो कितनी कितनी बच रही है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मशीन वन की कितनी बच रही है और मशीन टू की कितनी बच रही है, मशीन वन 18,000 में 1,800 डेप्सन लग गया तो वो बची 16,200 की, और मशीन टू 10,000 में 500 का डेप्सन लग गया तो वो बची 9,500 रुपये की। अब खरीदो आप,
टू कैश अकाउंट, मशीन थ्री। हमने ये कितने रुपए खरीदी है बेटा? 5000 रुपए की। बस बेटा खत्म क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2019 को डेप्सन लगाएंगे। बाय डेप अकाउंट फर्स्ट पर, बाय डेप अकाउंट सेकंड पर और बाय डेप अकाउंट थर्ड पर। देखो पहले वाले पर जो डेप्सन लेगा वो लेगा 16200 पर, कितने परसेंट? 10%। फिर दूसरी वाली पर जो डेप्सन लेगा वो लेगा 9500 पर, कितने परसेंट? 10%। और तीसरी वाली पर जो डेप्सन लेगा वो लेगा 5000 पर, कितने परसेंट? पूरा 10% पूरी साल का। तो ये बैठेगा बेटा 1620, ये बैठेगा 950 और ये बैठेगा 500। तो टोटल डेप्सन इस साल का कितना बैठ रहा है? 1620, 950 और 500, ये बैठ रहा है 3070। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर निकाल देते हैं हम, बैलेंस कितना बच रहा है? 30700। 30700 में से माइनस कर दो बाय बैलेंस सीडी, किस डेट को? 31 मार्च को ही। तो ये आप करो भैया, 30700 माइनस 1620 माइनस 950 माइनस 500, ये बचा 27630। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लिया, ठीक है ना। अब इस पार्ट को हम यही खत्म करते हैं। ओके बेटा, बाय।